सो हैगा गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में बात करेंगे अभी सुजलान अनर्जी को लेकर सुजलॉन एनर्जी के अंदर आपने देखा होगा अभी आज सुबह तो करेक्शन थी दो परसेंट के करीब लेकिन फिर जो स्टॉक है वो रिकवरी लेते हुए नज़र आया है पॉइंट टू सिक्स परसेंट की जो तेजी है वो स्टॉक में रही है उनतालीस पाँच के भाव में जो से वो क्लोजिंग लेते नज़र आया है नजर आए। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे अभी पाँच करोड़ चौवन लाख के करीब का हमें जो ना अभी वॉल्यूम आते हुए नज़र आई है आपने एक चीज़ नोट की होगी पीछे स्टॉक में करैक्शन बन रही थी और इसी बीच एक और बड़ी खबर आई थी कि जो कोटक है उसने इसके वैल्यूएशन पर जो अभी सवाल खड़े किए हैं ठीक है वैल्यूशन को लेकर तो इन सब को देखते हुए स्टॉक के ऊपर दबाव बढ़ना था लेकिन स्टॉक में इतना फोल्ड नहीं हुआ है ये अच्छी बात है और आपके एक बड़ी खुशखबरी और दे देते हैं कि अब कभी भी जो ना सुजलॉन एनर्जी की सर्किट लिमिट चेंज हो सकती है जैसे आपने देखा होगा अभी कल के दिन नोटिस आया था एक्सचेंजेस की तरफ से कि जो बीसीजी है अक्षधा कोटन है प्रेशर सेंसिटिव है और बहुत सारे स्टॉक्स हैं पी ज्वेलर्स हैं इन सब की जो सर्किट लिमिट है वो ट्वेंटी कर दी गई ठीक है जैसे कि पटेल इंजीनियरिंग इसकी भी सर्किट लिमिट चेंज कर दी गई है तो इसी वजह से आप लोग देखोगे इन शेयरों में बहुत अच्छा इफेक्ट रहा है तो यहाँ पर अगर सर्किट लिमिट चेंज होती है सुजलॉन एनर्जी की ट्वेंटी परसेंट पर जाएगी तो बीस परसेंट की सर्कल लिमिट होगी तो स्टॉक में जबरदस्त रैली बनने की संभावना बन सकती है तो इसलिए यहाँ पर अगर जिसकी भी होल्डिंग है या फ्रेश इंट्री लेने के बारे में सोच रहा है तो देखो भाई इस भाव में नीचे में सपोर्ट वगैरह आपको बताएंगे डिटेल में उसके साथ साथ आपने एक चीज़ और देखनी है कि देखो वो कोटक ने जो सवाल उठाए ठीक है अच्छी बात है लेकिन क्या जो ये बड़े निवेशक जिन्होंने पाँच पाँच परसेंट स्टेक अभी अड़तीस के भाव में उन, उन सॉरी उनतालीस के भाव में खरीदारी की है ठीक है पाँच परसेंट स्टेक ब्लैक रॉक ने लिया ना अभी अभी पाँच परसेंट की है अपनी होल्डिंग पाँच परसेंट प्लस गई है तो ये इतना इतना स्टेक अगर ये खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ आगे का सोच कर ही खरीद रहे हैं नए के स्टॉक के अंदर जो अभी ये इनको पता ही नहीं है कि भाई वैल्यूएशन क्या है या फिर कुछ और क्या है तो थोड़ा समझदारी के साथ काम लेना है ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी देखोगे और फिर जो ना उसका नेगेटिव देखो भाई अगर ऐसी खबरें आएंगे बाजार में तो नेगेटिविटी आएगी ऑटोमेटिकली ठीक है तो चलिए अब देख लेते भाई डाटा और चार्ट इसका तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सुजलॉन एनर्जी जो है अभी अड़तीस पचानवे का भाव था प्रीवियस क्लोजिंग थी ओपन अड़तीस पचानवे में ही हुआ फिर हाई स्टॉक ने चालीस का लगाया लो अड़तीस का रहा है ठीक है यानी स्टॉक में गिरावट भी बनी है पहले फिर स्टॉक में रिकवरी भी बनी है ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे भी एक सेल ऑर्डर लगाया दो हज़ार अठासी क्वान्टिटी का और रही बात डिलीवरी पोजिशन की तो यहाँ पर आपको शो नहीं हो, होते हुए नज़र आ रहा है क्योंकि अभी स्टॉक एस की के स्टेज में अभी एक्टिव है ना तो चलिए अब देख लेते भाई देखो बीस की लिमिट हुई नहीं है हो सकती है जिस प्रकार से उनकी हुई अभी ठीक है तो चलिए देखते हैं इसका चार्ट तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सुजलोन एनर्जी जो ना अभी काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है नीचे में आपने देखा होगा अभी 37 का सपोर्ट बना हुआ वैसे भी मैंने एक स्ट्रॉन्गली सपोर्ट आपको बता रखा है कि चौंतीस साढ़े चौंतीस का जो आपको बैटर लगी वो पकड़ के चल सकते हो भाई ठीक है अगर इसके ऊपर स्टॉक रहता है काफी अच्छी बात है और यहाँ से आप लोग देखो अभी टाइम स्टॉक ओपन है ओपन हंड्रेड और फिफ्टी ई के आसपास ही है ना थर्टी नाइन का ना उनका थर्टी नाइन का ही इसका फिफ्टी एम है और थर्टी नाइन पर इसका हंड्रेड ई एम है तो वहीं पर स्टॉक अभी के टाइम है तो ऐसे में आप लोग देखोगे भी स्टॉक अगर ऊपर में ब्रेक आउट देता है चालीस रुपये बीस पैसे को तो स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर में आ सकता है भाई ठीक है तो इस स्टॉक का जो ना अभी चालीस रुपये के ऊपर में टिकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ये इकतालीस पचहत्तर को ब्रेक करता है ऊपर में फिर आप लोगों को देखो एक फ्रेश हाई भी ठोक सकता है भाई फिर अभी के टाइम आपको जो सपोर्ट पकड़ के चलना चाहिए देखो भाई वैसे थर्टी सेवन का भी बन रहा है और उसके नीचे में स्टॉन्ग सपोर्ट थर्टी फोर का है जो आपको बेटर लगे वो पकड़ के चल सकते हो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद है लाइक कीजिए और 20 परसेंट लिमिट अगर इसकी होती है तो स्टॉक में 20 बीस सॉरी 20 परसेंट uh, का जो अपर सर्किट है वो लगने के चांस पूरे के पूरे रहेंगे क्योंकि एक अच्छा स्टॉक है और यहाँ पर जो बायर्स ना वो एकदम से एक्टिव होते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर तो संभल और सावधानी के साथ आपको भी इस स्टॉक के साथ आगे बढ़ना है थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो